अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चटपटी लेमन राइस की रेसिपी। 10 मिनट में बनने वाली लेमन राइस की रेसिपी को बनाना शुरू करते तो यहाँ सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद उड़द दाल और इसमें डाल देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते, 4 से 5 लंबी कटी हुई हरी मिर्च और इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। सारी चीज़ें जब अच्छे से भून जाए इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई लंबी प्याज। इसको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज यहाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इसमें डाल देंगे 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी मूंगफली और डालेंगे इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ें यहाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे चावल। चावल मैंने रात के बचे हुए लिए हैं, आप चाहे तो ताज़ा चावलों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारे चावलों को डाल देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे 2 नींबू का रस, 1 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। यह हमारा चटपटा लेमन राइस बनकर तैयार है। आप भी इस चटपटे लेमन राइस की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे कमेंट करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।